भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि कोरोना को रोकने में विफल सरकार विद्वेष की राजनीति कर रही है और मुकदमों के जरिए भाजपा कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। पूनिया ने कहा कि भाजपा ने विपक्ष में होने के नाते सरकार को चेताया है, ऐसे में सरकार अपने राजधर्म का पालन करें। कोरोना के संक्रमण को रोकने में विफल हुई सरकार अब विद्वेष की राजनीति पर उतर आई है। लोगों को डराने में, धमकाने में जहां प्रशासन की मदद भी ले रही है और सोशल मीडिया को बड़ा हथियार बनाया है। मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जहां पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रत्यक्ष तौर पर तुष्टीकरण और भेदभाव के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कहने की कोशिश की, उसको मुकदमों के जरिए दबाने की कोशिश हुई है। और इसका ताजा तरीन उदाहरण है हमारे दो विधायकों पर, श्रीमान मदन दिलावर रामगंज मंडी से और श्री अशोक लाहौटी सांगानेर से। एक अन्य विधायक को, श्री सुरेश रावत को ब्यावर से नोटिस दिया गया। इसके अतिरिक्त बायतू में, सलूंबर में, गंगानगर में, दौसा में, जोधपुर में, जयपुर में, ऐसे अनेक स्थानों पर दर्जनों कार्यकर्ताओं पर इस तरीके के मुकदमे